बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबर, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो आप सबको पता है हमारे पास 2 लक्के कबूतर हम लोग न्यू लेकर आए थे। तो आप सबका कमेंट आ रहे थे कि उनको बाकी कबूतरों के साथ ना रखें, उनको ना अलहदा रखें। तो उनके लिए अलहदा पिंजरा चाहिए था, इसलिए मैंने ना मैं गया था अपनी नानी और दादी के पास। तो दाऊद को पिंजरा नहीं था, ला के दिया गया। तो मैंने सोचा कि वहाँ से लेकर आएंगे जहाँ हम जा रहे हैं। तो वहाँ मैं गया तो मैं ना एक कबूतर वाले कबूतर थे एक अंकल के पास, मैं उनके पास गया। तो वहाँ जाके मुझे पता लगा कि मतलब एक न्यू तरह के पिंजरे थे उनके पास, तो उनके सब कबूतर उसी में बंद थे। तो मेरा दिल आ गया उस पिंजरे पे, मैंने सोचा कि हम लोग अपने लक्के कबूतरों के लिए बिल्कुल वैसा ही पिंजरा लेकर जाएंगे। तो मैंने स्पेशल वो पिंजरा ढूंढा और वो पिंजरा लेकर आया हूँ। ये देखें माशाल्लाह ये पिंजरा है, ये देखें इसके बाहर वाली साइड पे ये कपड़ा लगा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये दो हैं, मतलब इधर भी और इधर भी, बस इसकी एक चीज़ नहीं मुझे सही लगी, वो ये कि दोनों जो कुंडियाँ ना ये जो इसके डोरा ऑफ होने वाला एक एक जगह पे हैं, और इसके अलावा ये अटकती भी नहीं है। ये देखो बस खुद ही खुल जाएगा अगर कोई छेदेगा तो, बस तो इधर कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो उसके अलावा ये ऊपर आप लोग इसको किसी और जगह पर भी ऐसे लमका के रख सकते हैं। एक साइड पे लग के कबूतर और कबूतरी रख देंगे, दूसरी साइड पे कोई और चीज़ रख देंगे। अगर कोई भी चीज़ न्यू लाते हैं ना हम लोग, तो हम लोग इधर रख सकते हैं। मतलब हमारे पास एक पिंजरे की एक साइड खाली है किसी भी चीज़ के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि हम लोग क्या लेकर आएँ, क्योंकि दाऊद के जो है ना 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो 2 लाख सब्सक्राइबर पर हम लोग उसे एक ना एक चीज़ ला के दे रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि हम लोग क्या कौन सी चीज़ें उसे ला कर दें। दाऊद आपके लग के कबूतरों के लिए न्यू पिंजरा प्यारा ना, बहुत ज़्यादा लगे कबूतर भी खुश हो जाएंगे इसमें आके, है ना जी? बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लाओ उनको, उनको लाओ इसमें बंद करके चेक करते हैं कैसे लगते हैं। लाओ एक साइड पे दोनों को रखना है ना, है ना? इस साइड पे रख दो, इसके अंदर कोई चीज़ रखनी पड़ेगी, कोई कपड़ा शपड़ा या कोई गत्ता वगैरह डाल देंगे। जाओ आगे आगे तो जाओ, कितने प्यारे लग रहे हैं। प्यारे तो लग रहे हैं लेकिन जगह कम नहीं है। कोई बात नहीं, रात को हमने अंदर रखना है, दिन को खुले रहेंगे, सही है ना? ऐसे ये जो लक्के कबूतर है ना, ये इन कबूतरों को मारते थे, इन कबूतरों को ये भरे हैं ना उनसे, तो इनको मारते थे। तो इसलिए जो है ना इसका अलहदा पिंजरा हो गया, तो भी ये नहीं किसी को मारा करेंगे। दिन को हम लोग इनको खोल दिया करेंगे, रात को जब सोते वक्त ना इनको बंद कर दिया करेंगे। आ जाओ बाहर, चेक कर लिया आपका न्यू घर, आ जाओ निकल आओ। निकल गए, ये भी निकल गए। इसको रखना किधर है? रख दो इसको सबसे ऊपर रख दो, सही रहेगा ना? हाँ लाओ मैं रखता हूँ, ये पकड़ो। तो ये हो गया, ठीक हो जो पहला गोली पई होनी दसिया चुपरे आप ही पांदे हो जो चोर चोरी अभी जो दसिया ने भी किते गाल आना पैन दसन वाली कोई है नहीं, तो लिया मैं इस कान तो मारना चंड देखियो तेरे नहीं करनी, इस कान से मारूंगा दूसरे कान से निकल जाएगी। अभी एक काम खराब हो गया, ये देखिए ये जो गोली है ना, ये छोटे पिस्तौल वाली, ये जो मतलब छोटा खिलौना पिस्तौल होता है, ये गोली दौड़ के काम में पता नहीं कब से चली गई, वो उसने बताया ही नहीं। तो वो तो अभी हम लोग वीडियो बना रहे थे ना पिंजरे की, तो उसने मोबाइल पकड़ा वीडियो बनाने लगा, तो कहता है भाई ये मेरे कान में देखना क्या है। पता नहीं तकरीबन 1-2 महीने से अब रोज़ रोता था मेरे कान में दर्द होता है। तो हम लोगों ने उसमें ड्राप डाले सब कुछ किया, तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चली गई है। तो ये तो अभी मैंने लाइटर जला कर ना उसके कान में देखा, तो ये सामने नज़र आई ऐसी गोली। तो अभी कान में तेल डाला है सरसों का, तो उसे लटा दिया। तो अबू जान जो है ना हमारे गाँव में एक बंदा है, वो पता नहीं पेंसिल किसे वो सूकर पीछे वो खींचता है, वो कान के कीड़े भी निकालता है, उसके अलावा जो भी कानों की चीज़ गई हो ना वो निकाल देता है। तो अभी जाना उनका पता करने गए हैं, तो
तो सही बात है, पता नहीं काफी दिन से वो रोता था रोज, लेकिन बताया नहीं कि ये चली गई है। बता ही दो, बता भी नहीं डॉक्टर के पास कि डॉक्टर ने दवाई दे दी कि ये डालो कान में ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक कैसे हो जब यही चली गई है। तो अभी करते हैं इसका कोई हल है। बत्तख के बच्चे किधर गए? पैरों में पड़े हुए हैं, जब मैं देखे ही निकलो उधर। चलो चलो शाबाश। ये देखो बाजरे वाले छापर कहाँ पड़े हुए हैं, उसमें चल रहे बत्तख के बच्चे। हम लोग भाई इसमें से लेकर आए थे, हमारे साथ ही हमजा भी लेकर आया था, मतलब एक ही माँ के बच्चे हैं, छः थे, तो जिसमें से चार हमने लिए, दो उसने ले लिए, तो हमारे उससे बड़े हो गए, उसके अभी छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे हैं, लेकिन हमारे देखे माशाल्लाह कितने मतलब तंदुरुस्त चुस्त सब कुछ हैं इस टाइम। दो दिन के आगे बाजरा दाने रोटी जो भी मिलता है डाल देता है, अगर कोई चीज़ लाए ना दुकान से शॉप से वो हमें नहीं देता, अपने इन परिंदों को डाल देता है। वाह भाई माशाल्लाह, ये देखिए ये कबूतर इस टाइम बैठा हुआ है अंडों पे, करीबन 10-12 दिन रह गए हैं फिर इनके बच्चे निकलेंगे अंडों से। बाकी ये वाली जो कबूतरी है ना, इसने भी पता नहीं अंडा दिए या पता नहीं क्या, मतलब इसका पक्का नहीं पता था। ये जिनकी हमने पकड़ी थी ना वो लेने आए थे भाई, कह रहे थे ये कबूतरी हमारी हमें वापस दे दो, लेकिन हमने कहा कि जब अंडों में से बच्चे निकलेंगे फिर देंगे वापस। तो वैसे वो पैसे दे रहे थे, हमने कहा पैसे नहीं हमें चाहिए, आप अपनी कबूतरी ले जाना, लेकिन जब अंडों में से बच्चे निकलेंगे फिर। तो वो मान गए। इसके अलावा हमारी जो सील मुर्गी है ना, उसने अंडा देना है, दादा जान कह रहे थे किसी ने अंडे देने हैं। ये बार बार जाके ना रजाई पर बैठ रही थी, मतलब जाती है नीचे जाती है अब हमारे कमरों में जाके रजाई पे बैठ जाती है, कंबल पे बैठ जाती है। तो दादा जान कहते हैं इसने अंडा देना है, इसका कुछ करो। तो हम लोग ने पहले तो ये रेत वाला दाबड़ा रखा हुआ था कि इसके अंदर बैठ के अंडा दे दें, इसके ऊपर टोकरा रखा हुआ था, लेकिन वो यहाँ पर बैठती नहीं है। अभी क्या कर गई, पानी पी रही है अभी, तो अभी देखना ये दानी शानी खाएगी, पानी शानी पिएगी, फिर नीचे जाके कंबलों पर बैठ जाएगी, कंबल पर बैठ जाएगी। तो दादा जान कह रहे हैं इसने अंडा देना है, लेकिन कल परसों से ऐसे कर रही है, अगर इसने अंडा देना होता तो ये दे देती कल परसों से, लेकिन ये जाके कंबल पे बैठती है मेरी तरह हड आराम है। माशाल्लाह वे इस कमरे की सफाई भी करने वाली है, किस दिन टाइम निकाल के ना सही तरह सफाई कर देंगे इस कमरे की। इसके अलावा ये जो पाइप वगैरह है ना, ये इस कमरे से निकाल देंगे, इस कमरे में सिर्फ हमारे परिंदे ही रहेंगे। और चीज़ काफ़ी ज़्यादा बाद में कमेंट आते हैं कि आप ये कितने का लेके आए, कितने का मिला आप बताते ही नहीं हैं। तो हम लोग आपको बता दें ये पिंजरा है, ये हमें मतलब एक 30 इंच का था, एक 29 इंच का था, एक 28 इंच का था, तो हम लोग लेके आए सबसे बड़ा जो 30 इंच का था वो लेकर आए हैं, और ये हमें मिला 2000 रुपये का कह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा रेट वगैरह करने के बाद हमें 1900 में मिल गया था ये पिंजरा, सही हो गया। उसके अलावा इन पिंजरों के रेट पूछ रहे थे आप सब लोग, तो ये 5000 रुपये का कहते थे, और लेकिन हम लोगों ने 12000 रुपये के तीन लिए थे, मतलब 5000 का पहले एक कहते थे, फिर 4000 का तकरीबन, हाँ 4000 का हो गया था। तो उसके अलावा वो वाला जो है ना वो मुझे पक्का याद नहीं है इस टाइम, तकरीबन 1500 का मेरे ख्याल, हाँ 1500 का शायद लिया था वो, हाँ इतने का लिया था। ये थी हमारी आज की वीडियो मेरे भाई जेब ने बनाई है, क्योंकि मेरे कान में जाना मोती चला गया है, इसलिए भाई जेब ने मेरी वीडियो बनाई है, तो रोजाना मैं ही बनाऊ करूँगा, बस आज भाई जेब ने बनाई है, तो मैं जो है ना मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी ना,